जाती थी हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। अभी बजे हैं दोपहर के 4:10। तो ब्लॉग की शुरुआत मैं अभी कर रही हूँ। तो आज कुछ स्पेशल होने वाला है। और वैसे हम मसूरी का वेदर कहें तो अगर खिड़की से बाहर आपको दिख रहा हो तो धुंध वाला वेदर हो रहा है। 3-4 दिन से ऐसे ही है क्योंकि जंगलों में ना बहुत आग लगी है। पता नहीं कौन लोग लगा देते हैं आग जंगलों में। कितने प्राणी पक्षी पशु होते हैं बेचारे, सब जल जाते हैं। और पहाड़ों में जो है ना चीड़ के ज़्यादा जंगल हैं, जो बस जरा सी एक चिंगारी आप लगी तो वो धू धू करके जल उठते हैं। उसकी वजह से पहाड़ों में आजकल धुंध का वेदर हो रहा है। स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं मेरे यहाँ भी। कौन आते हैं मैं आपके साथ मिलाऊंगी, तो बने रहिएगा। हम लोग बस इंतजार ही कर रहे हैं। अभी अभी कभी कभी अभी अभी आने वाले हैं। देखिए कितनी देर में पहुंचते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है। वीकेंड में तो मसूरी में बहुत ट्रैफिक होता है। और आज कितना है, अभी वो पहुंचे थे भट्टा में आधा घंटा पहले, तो अभी देखती हूँ वो कितनी देर में मसूरी में पहुंचते हैं और फिर मिलाती हूँ आपको भी उनके साथ। और क्या करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ अच्छा अच्छा होगा, आएंगे मेहमान तो अच्छा ही होगा। उससे पहले जो नए हैं विजिट कर रहे हैं प्लीज लाइक कर दीजिए। कुछ वेस्ट नहीं जाएगा आपका, सिर्फ आपको एक प्रेस करना है बटन, लाइक कर दीजिए। अच्छा लग रहा हो मसूरी के ब्लॉग तो सब्सक्राइब भी कर देना और मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना। बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं टूर की, जगह जगह की, और मसूरी की तो है ही। तो चले जाइए मसूरी में, आजकल तो मसूरी देखने के ही दिन है, तो जाइए मसूरी की प्लेलिस्ट में। हमारे गेस्ट करें, हमारे गेस्ट आ गए हैं। ये देखो जिनका हमारा बेसब्री से इंतजार था वो पहुंच गए हैं। ट्रैफिक में फंस गए, बेसब्री से इंतजार था वो पहुंच गए। और हमारा ये चला गया है वेलकम करने के लिए। इसको इग्नोर करें आप, मसूरी में आपको ऐसे बहुत मिलेंगे। वो पार मटी आ जा रही था, देखो अगिल पटीला से इसके ये संग्रहाल है, संग्रहाल। तो जो ये हमारा डॉगी है ना, ये मेरी बेटी आ रही है, तो ये मतलब ऊपर तक चला जाता है जहाँ गाड़ी आप पहाड़ों में सोच सकते हैं कि ऊपर रोड में खड़ी होती है। तो ये आते हैं हमारे घर में। जिन दीर्घाय, खुश रहो स्वस्थ रहो। वो आ गई है मेरी बहन सौभाग्यवती। कपड़ी उनमें लग रहा है, आप पूछ रही है भरत मिलाप हो रहा है। कितने सालों से रास्ते लगे हुए, आज पहुंच रहे हैं। आज पहुंच रहे हैं। मजा, हाथ बड़ी पैकेट ले। आपको पसंद आ गया तो फिर हमको क्या चाहिए। वेलकम है आपका। दीर्घाय दीर्घाय। आ जाइए आप भी मिठाई और फल खाने के लिए। तो दोस्तों चाय नाश्ता होने के बाद शाम का समय था, अब चल रहा है डिनर। दोनों साड़ू भाई और मेरी बहन का बेटा और ये मेरी बेटी, ये कर रहे हैं डिनर। हम कितना बनाते हो बताओ जरा। मैंने कहा, मैं इनको बोली थी हम जाते हैं तो रीता बताने क्या क्या कर देती है, और हमसे तो कुछ भी नहीं हो पाता है। तो आज हमारे घर में हमारे अतिथि पधारे हैं, मेरी बहन और उसका परिवार। मेरी बेटी भी आई है। मेरी बेटी भी आई तो तभी अच्छा लग रहा है ना आज, है ना करण? इसी खुशी में बोल रही हूँ कि मेरी बेटी भी आई है। मेरी बेटी भी आई है और आज आनंद आ गया, सब साथ मिल गए, है ना। ये काय की चटनी है? ये है मिर्च टमाटर प्याज की चटनी। और ये वाली चटनी? ये है मूंगफली आम और पुदीना धनिया की चटनी। दोबारा बताओ वाली कौन सी चटनी है? दिस टमाटर प्याज एंड मिर्च। उसके बगल में वो तो नमक है, ये है। उसके बगल में है आम, मल्टी मल्टी मल्टी
अब मुझे लगता है ये तारी पराठों की। ये देखो दोस्तों सेम शक्ल के लोग, सेम टू सेम, शीशे में डबल दिखाई। अब मुझे लग रहा है ये पराठों की तारीफ हो रही है या अपनी श्रीमती जी की तारीफ हो रही है या और पराठा चाहिए। गेम फ्रूट मेरा भी है, पहना नहीं है, नहीं पहना नहीं मैंने, पहले के लाना चाहिए था। पराठे की तारीफ हो रही थी और चाहिए इसलिए बोला जा रहा है ना। ये चटनी की तारीफ हो रही है। बढ़िया। कौन सी वाली चटनी की? कौन सी वाली चटनी की? खांदे वाली। खांदे आम वाली। तू पूछेगी तो लाल वाली। यही है, यही तो हमारे यहाँ पे सोते हुए लोग हैं। अपना पराठा पकड़ बिना धनिया वाला। मौसी ने ब्लॉग में बता दिया कि मैं धनिया नहीं खाती। अब ब्लॉग में कमेंट करेंगे लोग, इनके नाटक हैं। अच्छा है, इसी बहाने कमेंट करेंगे, इसी बहाने गाइस कमेंट करेंगे। कहना क्या चाहते हो? देखो गाइस ये देखो, कुछ तो मिलेगा। हम गरीब लोगों की छोटी सी किचन जिसमें हम दो बहनें भी नहीं अटा रही है। आइए आराम से आइए, बहुत बढ़िया। वहाँ से हिलते हैं तो ये बाहर हो जाती हैं, ये ज्यादा हिलती हैं तो उधर हो जाती हैं। देख क्यों नहीं आ रही, दोनों आराम से आ रही है। मेरी नोएडा में इतनी थी, मैं तो तभी बनाती हूं। दोस्तों खाली कटोरी में गौर मत करना, ये अभी भरी जाएगी। ये बन रहा है चाह। ये कैसी चाह है? ये बन रहा है चाह, ये बन रहा है सब्जी। ये बना रही है मौसी पराठे, ये बन गए चटनी और। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, फैमिली की हंसी खुशियों वाला ब्लॉग। अब इसके बाद हम जा रहे हैं मसूरी की खूबसूरत सी जगह में। उस ब्लॉग को देखने के लिए जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये देखिए हम जा रहे हैं नेक्स्ट डे की ये क्लिप है। तो मिलती हूँ आपको दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बहुत देर तक घूमता है।